नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। राजस्थान में जयपुर, सीकर, कोटा समेत 11 जिलों में शनिवार सुबह से ही रुक रुक कर बरसात का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में सुबह 7 बजे कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया। करीब 15 मिनट तक तेज बारिश होने पर सड़कों पर पानी भर गया। इसके बाद रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। राजस्थान के गवर्नर हरिभाव कृष्णराव बागड़े शनिवार को बाड़मेर पहुंचे। उन्होंने सुबह 10 बजे बाड़मेर से सटे मुनाबाव गांव के इलाकों का दौरा किया और गांव वालों से बातचीत की। इससे पहले गवर्नर ने गडरा रोड पर स्थित सरकारी स्कूल का भी विजिट किया। राजस्थान में पिछली सरकार में बनाए गए कुछ जिलों को खत्म करने की पहल तेज हो गई है, जिसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच कांग्रेस अब प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जैसे जैसे जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जनसंख्या के अनुरूप नागरिकों को निकटतम स्थान पर राजकीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार सुबह जोधपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्यसभा में जया बच्चन ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो आसन के लिए ठीक नहीं है। आसन का हमेशा सम्मान होना चाहिए। हमें आसन या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। जेल से बाहर आए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। इसी बीच उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई का ताना बाना इसलिए नहीं बुना गया कि कोई भ्रष्टाचार हुआ है। ये सारा षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने के लिए किया गया है। भाजपा वालों से कहना चाहता हूं कि आपका काल अभी जेल में बंद है, मगर उसे ज्यादा देर नहीं रोक पाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वायनाड दौरे पर हैं। ऐसे में इस दौरे को लेकर वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भी खुशी जाहिर की है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करके लिखा कि धन्यवाद मोदी जी, वायनाड जाकर त्रासदी का जायजा लेने के लिए, ये एक अच्छा फैसला है। राहुल गांधी ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री वायनाड के हालात को देखकर वायनाड त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लगभग 17 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। ऐसे में उन्हें लेकर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत सत्य की जीत है। जयपुर के मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मेस में खराब खाना मिलने सहित अन्य 4 मांगों को लेकर शुक्रवार रात स्टूडेंट धरने पर बैठ गए। स्टूडेंट्स का कहना था कि बाहर का खाना मंगवाने पर भी रोक है, इससे सभी छात्रों को परेशानी होगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद जॉय ने अमेरिका से एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। साजिब वाजेद जॉय ने कहा कि मेरी माँ की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की त्वरित कार्रवाई के लिए मेरा व्यक्तिगत आभार है, मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अब्दुल हसन ने न्यायपालिका के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। उसके बाद चीफ जस्टिस सहित सभी जजों को दोपहर 1 बजे तक इस्तीफा देने को कहा गया। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वहां महमूद यूनुस की अगुवाई में नई सरकार बन चुकी। प्रीति देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप देख रहे हैं खबर दिनभर। मैं हूं, नमस्कार।